الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. صدق الله مولانا العظيم. मोज़ सामीन व हाज़रीन, जहाँ तक भी आवाज़ पहुँच रही है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, सुन्नत सर्कल की जानिब से हफ्तावार बयानात का सिलसिला, जिसका इनकार किया जाता है, और ख़ास तौर पर हमारे अकाबरीन, उनके मुतालिक इस सिलसिले का आगाज किया गया गुज़श्ता माह से, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सआदत है कि मुझे इस फलकुशाई का मौका दिया गया कि ये मुबारक वो मुबारक हस्तियाँ जो इस दुनिया से पर्दा फरमा चुकी हैं, उनके ज़िंदगी के हालात को आपके सामने पेश करना, आपके गोशो गुजार करना और आपकी समातों की नज़र करना। और दरअसल बात यह है कि इसकी वजह से ही इंसान के अपनी नज़र और दिलो दिमाग में उनके हालात ताज़ा होते हैं। और असल चीज़ ये है कि अल्लाह ताला कहने वाले को, सुनने वालों को अमल इखलास के साथ नसीब फरमा दें, क्योंकि इल्म जो है ये बग़ैर अमल के वबाल है। और क़यामत के रोज़ जो चार सवालात होने वाले हैं, उसमें एक से एक सवाल ये भी है कि अपने इल्म पर कितना अमल किया। तो इसलिए इल्म का सीखना, उसका हासिल करना, उसके बाद सबसे बड़ा सवाल या निशान ये है कि उस पे हम कितना अमल कर रहे हैं और अपनी अमली ज़िंदगी में कितना उसको जगह दे रहे हैं। गुज़श्ता मुलाकात नशिस्त में बयान के सिलसिला में ताबीन के हालात के मुतालिक और जो उसूल ज़वाबित और ताबीन की तारीफ़ क्या है, ये आपके सामने पेश किए गए थे, और उसमें कुछ तस्करा हज़रत उवैस बिन आमिर क़रनी रहमुल्लाह का किया गया था। आज के इस नशिस्त में मशहूर ताबी हज़रत उवैस बिन आमिर अल क़रनी रहमुल्लाह के ज़िंदगी के चीदा चीदा हालात और वाक़यात को आपके सामने पेश किया जाएगा। हज़रत उवैस क़रनी रहमतुल्लाह अलैह मुल्क यमन में पैदा हुए, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना मुबारक अहद पाया, लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत ना कर पाए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए ये बात पहुंचा दी थी कि वो आप पर ईमान ला चुके हैं
और हजरत अवैस आपकी ज्यारत करना चाहते हैं, लेकिन कुछ उनकी मजबूरियां हैं जिनकी बिना पर वो आपके पास आपकी खिदमत में कदम बोसी के लिए हाजिर नहीं हो सकते। हजरत अवैस करनी रहमुल्ला ने इसी तमन्ना, ख्वाहिश और आरजू में जिंदगी के शबो रोज गुजारे, लेकिन चाहे वो यमन में रहते थे, वहाँ पे अपनी वालदा माजदा की खिदमत में मसरूफ अमल थे, लेकिन जो उनकी रूह थी वो मदीना मनवरा के दरो दीवार में बेताब और बेचैन सरगना नजर आती थी। और जिस्मानी तौर पर चाहे दूरी थी, लेकिन आप सल्लम की जात से ताल्लुक पैदा हो चुका था, और इसी का इजहार आप सल्लम ने सैयदना उमर इब्न खत्ताब से फरमाया, जो मुस्लिम शरीफ बाब फजाइल सैयदना अवैस क़रनी रहमुल्लाह में नकल किया गया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ए उमर, कबीला मुराद यमन का एक कबीला था, उससे एक शख्स जिसका नाम उवैस है यमन वालों की मदद के साथ तुम्हारे पास आएगा और उसके जिस्म पर बरस के निशानात होंगे, लेकिन वो सब के सब मिट चुके होंगे, सिर्फ एक दिरहम के बराबर दाग बाकी होगा, और उनकी वालदा भी हयात होंगी क्योंकि वो उनकी बड़े दिलो जान से खिदमत करते हैं, और वो ऐसे इंसान हैं कि अगर किसी बात पर कसम खा लें तो अल्लाह ताला उनकी कसम को पूरा कर देते हैं। अगर तुमको उनकी दुआ चाहिए तो उनसे जरूर दुआ करवा लेना। ये उस हदीस का तर्जमा और मफहूम है जो आप सल्लम ने इरशाद फरमाया मुस्लिम शरीफ की। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसी इंतजार में रहे कि वो शख्स और वो दिन कब आए जब उनसे मुलाकात हो जाए और मैं उनसे दुआ ले सकूं। तो आप दुनिया से तशरीफ ले गए। इसके बाद से सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर खिलाफत आया, वो भी गुजर गया, और उसके बावजूद भी उनसे मुलाकात नहीं हुई। यहाँ तक कि हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनका अपने दौर हुकूमत आ चुका था। उस दौरान ये हुआ कि यमन से फौजी इमदाद की आमद हुई, जिसमें माल असबाब काफ़ी सारी चीज़ें थी, मुजाहिदीन की बड़ी तादाद थी, एक पूरा काफिला था। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने उसमें जब देखा, हज़रत अवैस क़रनी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका पूरा नाम है उवैस बिन आमिर, उनके निशानात जो आप इरशाद फरमाए थे उनसे पहचान लिया और पूछा, क्या आप उवैस हैं? उन्होंने कहा जी हाँ। पूछा, क्या आपकी वालदा हयात हैं? उन्होंने जवाब दिया जी हाँ बिल्कुल। क्या खा रहा अच्छा जी। तो इसके बाद हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने फरमाया कि ए अवैस, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे बारे में मुझसे फरमाया था कि ए उमर, तुम्हारे पास मुल्क यमन से कबीला कर्म का एक शख्स आएगा जिसके जिस्म पर दाग होंगे और एक दाग दिरहम के बराबर बाकी होगा, बाकी सब साफ हो चुके होंगे, और उसकी वालदा भी बाहयात होंगी, और जिसके साथ भी वो नेक इंसान करता, नेकी और एहसान का मामला करता होगा, और अल्लाह की किसी बात पर अगर वो कसम खाता होगा तो अल्लाह उसकी कसम पूरी फरमा देते हैं, और फरमाया कि तुम उससे दुआ जरूर करवाना। और ये नकल करके हजरत उमर रजी अल्लाह ने उससे गुजारिश की कि आप मेरे हक में मगफरत की दुआ कर दें। तो उनकी इस बात के जवाब में हजरत उवैस ने आपसे सलाम और हजरत उमर रजी अल्लाह तआला के लिए दुआ फरमाई। हजरत उमर रजी अल्लाह ने उनसे पूछा कि आप कहाँ के इरादे से तशरीफ लाए हैं? उन्होंने कहा कि मैं यहाँ से कूफा जाना चाहता हूँ। तो हजरत उमर की चूंकि हुकूमत और सल्तनत कूफा तक भी थी, तो उमर ने फरमाया कि
अगर आप कहें तो मैं आपकी ज़रूरियात के लिए वहाँ के हाकिम को कूफा के ख़त लिख देता हूँ ताकि आपकी ज़रूरियात पूरी कर दी जाए, आपको किसी किस्म की मुश्किल का सामना ना करना पड़े। वैसे तो वैस ने जवाब में फरमाया कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं आम मुसलमानों में रहने को तरजीह दूंगा। तो इसी तरह दिन गुजरते चले गए और इस वाक़े के 2 साल बाद कूफा से जो एक शख्स हज के लिए आया, हज़रत उमर ने उनसे पूछा कि तो वैस का वहाँ पर रहना सहना कैसा है, किस तरह की ज़िंदगी गुजारते हैं। उन्होंने जवाब दिया कि वो तो बड़ी गुर्बत, तंगदस्ती और बड़ी ही बसीदगी, पसमानगी में ज़िंदगी गुजार रहे हैं और बड़ा ही खस्ता हाल उनका एक मकान है और उनको तन्हाई पसंद है और आम लोगों में उनको जाना अच्छा पसंद नहीं करते हैं, ना किसी से मुलाकात करते हैं, ना किसी को मुलाकात का मौका देते हैं और लोगों को भी उनके हालात का पता नहीं है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो इरशाद नकल फरमा दिया कि दुआ उनसे करवाएं, उनकी अहमियत फरमा दी। तो ये साहब जब वापस हुए तो उन्होंने सबसे पहले हज़रत अवैस करने से मुलाकात की और अपने लिए दुआ करवाई। हज़रत अवैस रहमतुल्लाह ने फरमाया कि जनाब, आप अभी एक ताज़ा मुकद्दस बाबरकत सफर से आ रहे हैं, आप मेरे लिए दुआ करें। इसके बाद अवैस ने फरमाया, क्या तुमने हज़रत उमर फारूक से मुलाकात की है? उन्होंने कहा जी हाँ। उन्होंने कहा कि उन्होंने आपको सलाम भी कहा है? इस गुफ्तगू के बाद अवैस ने उन दोनों के लिए मगफरत की दुआ की। इसी तरह और हजरात से भी हजरत अवैस रहमतुल्लाह की मुलाकातें हुई और उन्होंने उन हालात को बयान किया और उन्हीं के जरिए उनकी जिंदगी के कुछ गोशे और हालात सामने आते हैं। फरमाते हैं कि आप दुनिया वालों से दूर रहते थे और हत्ता के इतने ये आलम था कि जिस्म को ढांकने के लिए कपड़ा तक ना होता था। बाज लोग उनको फकीर समझकर कपड़ा दे दिया करते थे और मनचले किस्म के लोग उनका मजाक उड़ाया करते थे और उनको तंग करते, परेशान करते, और ये हालात हमेशा गाफिलों, जाहिलों का यही हाल रहा है। और औलिया अल्लाह और अम्बिया कराम ऐसे लोगों से दो चार हो चुके हैं, यही वजह है कि उन्हें पागल, मजनून, दीवाना, जादूगर और तरह तरह के अल्फाज अल्फाजों से और उनको तकलीफ पहुँचाते रहे हैं। हज़रत अवैस रहमतुल्लाह के साथ भी ऐसा होता रहा, लेकिन दरअसल बात यह है कि जिसको अल्लाह ने हिदायत अता फरमानी है उसको हिदायत मिल जाती है और वो ऐसी मुबारक नफूस से फ़ायदा उठाता है। और हज़रत अवैस की इन हालात से वो छुप अपने इन हालात को दुनिया से किसे छुपा ना सके और दुनिया में लोग जो है उनकी तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगे। इसी तरह एक ताबी गुजरे हैं, शेख हरम बिन हब्बान, उन्होंने भी इनसे मुलाकात की और कुछ वाकयात को मुशाहिदा किया। फरमाते हैं कि मैं उनसे मुलाकात के लिए कूफा गया, शहर में उनके बारे में बड़ी मालूमात थी कि वो कहाँ रहते हैं। लोगों ने बताया कि वो शहर में बहुत कम आते हैं और बहुत कम ही लोग हैं जो उनको जानते हैं। फरमाते हैं शेख हरम के मैं उनकी तलाश में फिरता रहा तो एक दिन मैंने देखा कि नहर फरात के किनारे एक शख्स है जो वुजू कर रहा है और अपने कपड़े धो रहा है। मैं उनकी तमाम खुफिया से सिफात जान चुका था, इसलिए बगैर किसी शक व शुबा के पहचान लिया। वो कुछ भारी जिस्म के, गंदमी रंग के और सर जो है उस सर के बाल मुंडे हुए थे, घनी दाढ़ी थी और जिस्म पे मोटा कपड़ा और बड़ा ही पुरवकार चेहरा था। मैंने उनको पहचान लिया, उनको जाके सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया। मैंने कहा वैस तुम पर अल्लाह की रहमत हो, क्या हाल है? उन्होंने जवाब दिया अल्लाह का शुक्र और एहसान है, अच्छा हूँ, जिंदगी के दिन पूरे कर रहा हूँ, अल्लाह से मुलाकात का इंतजार है, बस इस दुनिया में कुछ और मुझे नहीं चाहिए। ये ताबई शेख हरम फरमाते हैं कि मैं उनकी इस हालत को देखकर मुझे रोना आ गया और मुझे रोना दे रोता देख कर तो वैस फरमाने लगे कि अल्लाह तुम्हारी मगफरत फरमाए, मेरे भाई तुम किस बात पर रो रहे हो?
और ये भी जरा बताओ कि मेरा पता तुम्हें किसने दिया है जो तुम मेरे तक पहुंच गए। मैं तो किसी को अपने आप को जाहिर नहीं करता। मैंने कहा, अल्लाह ने मुझे तौफीक दी, उसी की हिदायत पर मैं यहाँ आ गई। शेख हरम फरमाते हैं कि हजरत उवैस ने भी मेरा नाम लेके मुझे खिताब किया तो मैं बड़ा हैरान हो गया कि इन्होंने मेरा नाम कैसे लिया और मेरे वालिद का नाम कैसे लेके मुझे मुखातब किया। मुझे मेरी हैरानगी की इंतहा ना रही, क्योंकि इससे पहले मैंने ना आपको देखा है ना आपने मुझे देखा है। तो मेरे इस सवाल पर हजरत उवैस ने ये जवाब दिया कि हरम अल्लाह अलीम खबीर ने मुझे इत्तला दी है, जब तुम्हारे नफ्स ने मेरे नफ्स से बात की थी उसी वक्त मेरे रूह ने तुम्हारी रूह को पहचान लिया था। क्योंकि ईमान वाले एक दूसरे से दूर नहीं रहते हैं, ये ईमानी रिश्ता एक दूसरे को पहचान लेता है। और गालिबन आलम रवा में रूहें इकट्ठी हुई थी, इस वजह से यहाँ पहचान लिया गया। तो शेख हरम बिन हबान कहते हैं कि मैंने हजरत अवैस से गुजारिश की, दरख्वास्त की कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस सुना दें ताकि मैं याद रख सकूं। हजरत अवैस फरमाने लगे कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नहीं कर सका, अलबत्ता आपके देखने वालों को देखा है, उनकी सोहबत पाई है। मैंने भी आप हजरात की तरह उनसे हदीसें सुनी हैं, लेकिन मैं ये दरवाज़ा खोलना नहीं चाहता कि मेरे नाम के साथ मुहद्दिस, मुफ्ती या काजी का लफ्ज लग जाए, बल्कि मैं तो खुद अपने नफ्स की इसलाह के लिए काम करना चाहता हूँ। अगर मैं वही काम पूरा कर लूँ तो ये बहुत बड़ी बात है, मेरे पास वक्त ही नहीं है। मैंने उनसे कहा कि चलें कुरान पाक की कोई आयत सुना दें। तो उन्होंने इस पर आउज़ बिल्लाह समील आली मिन शैतान रजीम पढ़ा और फरमाया कि मेरे रब का जिक्र बुलंद है, सबसे सच्चा कलाम है। फिर सूरह सौद की आयत पढ़ी, वमा खलकना समा वल अर्ज वमा बैनहुमा बातिला, और खामोश हो गए और कहने लगे, हरम बिन अब्बान, तुम्हारे बाप मर चुके हैं, तुम्हें भी मरना है। आदम अलैहिस्सलाम उनकी अहलिया भी वफात पा चुकी हैं, नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी वफात पा चुके, मूसा अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम भी दुनिया से जा चुके हैं। आखिर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ़ ले गए, और खलीफतुल मुस्लिमीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने वफात पाई है, और मेरे भाई उमर भी फारूक भी गुजर गए। ये कहकर चीख मारी और उनके लिए दुआ की और फरमाया, क्या हजरत उमर जिंदा है? मैंने कहा, वो जिंदा है। तो वैसे ने उन्हें फिर दुआ दी और फरमाया, ठीक है, मैंने जो कहा वो वैसा ही है, तुम बात समझो तो मालूम हो जाएगा कि हम सब मुर्दा हैं, मरने वालों को जिंदा कहना कहाँ तक दुरुस्त है। और फिर ये फरमाते हैं कि वैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ा, चाहे दुआएं पढ़ी और किताबुल्लाह की तिलावत का मुझे ताकीद की, नेक लोगों की मुलाकात ज्यारत का हुक्म दिया और फरमाया कि नबी सल्लम पर कसरत से दुरूद व सलाम पढ़ा करो। और मैंने अपने और तुम्हारे उस सब की मौत की खबर दी है, इसके बाद हमेशा याद रखना कि मौत से एक लम्हा भी गाफिल ना होना, और वापस जाके दूसरे लोगों को भी इस चीज़ को खबरदार करना कि दुनिया के नेमतों पर कभी गुरूर ना करें। ये सब आने जाने वाली चीज़ें हैं जो ख़त्म होने वाली हैं, इनसे कैसा मोहब्बत और कैसा रिश्ता रखना। असल इंसान थोड़ी दुनिया पर राजी रहकर आखिरत की तैयारी को आखिरत जैसे बड़े जहान की तैयारी करनी चाहिए। ये कहकर शेख हरम को कहा कि मैं तुम्हें रुख्सत करता हूँ, और उसके बाद ना तुम मुझे देख सकोगे ना मैं तुम्हें देख सकूंगा। और इस तरह उनसे ये जो तावीद थे वो हजरत अवैस करनी रहमुल्ला से जुदा हो। हज़रत अवैस करनी रहमतुल्लाह को अल्लाह ताला ने किस तरह से इल्म ज़ाहिर और इल्म बातिन से नवाजा था, तो इसका अंदाज़ा इस चीज़ से हो सकता है। रही बात कि इल्म ज़ाहिर किसे कहते हैं, कि इंसानी अज़ा की तालीम तरबियत को इल्म ज़ाहिर समझते हैं, हालांकि इल्म ज़ाहिर के जो माहरीन हैं वो कहते हैं कि उलमा फुकहा के माहरीन को शुयूख और मशाइख कहा जाता है, और जो ताबीन कराम होते हैं वो दोनों उलूम को बकसरत उसमें पाए जाते हैं।
और हजरत वैसे करनी ऐसे जलील कदर ताबई हैं कि जो इल्म बातिन और इल्म जाहिर दोनों के माहिर थे। और खुद ही फरमाया करते थे कि मुझे नबी सल्लम की हदीस पहुंची है, लेकिन मैं मसनद दर्स पे और इफ्ता पर बैठना नहीं चाहता, बल्कि मुझे तो ये चीज़ पसंद है कि मैं अपने नफ्स की इसलाह कर लूँ और अपनी रूह के लिए कुछ बेहतर कर लूँ। इबादत और मुजाहिदे की अगर बात की जाए तो उन्होंने तसव्वुफ और सलूक, मनाजिल सलूक तय करने में बड़े मुजाहिदे किए। सारी सारी रात अल्लाह के जिक्र में गुजार देते थे, और इनका मामूल ये था कि किताबों में लिखा है कि एक रात जो है ये क़याम में गुजारते, दूसरी रात रुकू में, तीसरी सजदा में। इसी तरह एक पूरी रात मुनाजात और दुआओं में खड़े रहते थे, और एक रात कुरान पाक कसरत करते थे, दूसरी और तीसरी तवील रुकू सजदे में इसी तरह रातें भी गुजारी जाती थी। एक और शेख रबी बिन हुसैन फरमाते हैं कि मैं उनसे मिलने गया तो फजर की नमाज के बाद वो जिक्र तलावत मशगूल थे, इस ख्याल से कि उनकी तस्बीह में मैं कहीं हायल ना हो जाऊं इंतजार करने लगा। जोर का वक्त आ गया, वो इसी तरह मशगूल रहे, मैं वापस आ गया। दूसरे दिन भी यही हाल रहा, मैं उनके दुआ में ये कलमात सुने कि इलाही मैं सोने वाली आंख और ना भरने वाले पेट से पनाह मांगता हूँ। ये हाल देखकर मैंने कहा, जो कुछ मैंने देखा है इस कदर काफी है। तो वैस करने पर कसते रोजा रखते थे, इफ्तार के वक्त चंद खजूरों पर ही इक्तफा करते थे, और उनके पास खाने पीने का मुस्तकिल इंतजाम नहीं होता था कि कब खाते और क्या खाते उसकी कोई तफसीलात नहीं मालूम। और जोहद और किनात का ये आलम था कि घर बार सारा सामान खाने के बर्तन, इससे वो आजाद रहे। उनका जो मकान था वो बहुत खस्ता हाल था, और जिसके अंदर यानी घर के कामों के बर्तन और चीजें जरूरियात की मुहैया नहीं थी। हजरत उमर बिन खत्ताब ने बहुत बार इस चीज़ की कोशिश की कि उनकी मदद की जाए, लेकिन वो इसको पसंद नहीं फरमाते। लिबास में सिर्फ दो चादरें थीं, उन्हीं को ढूंढते थे और इस्तेमाल कर लिया करते थे। बाज़ औक़ात ये भी लिखा है कि लोगों ने उनको नहीं भरना हालत में भी देखा, तो वजह उसकी यही थी कि लिबास कपड़ा जो है उनके पास बहुत कम था। और उनकी दुआ में ये भी कलमा देखे गए हैं कि अल्लाही मैं आपसे भूखे जिगर और भरना बदन की माजरत चाहता हूँ, लिबास जो मेरे जिस्म पर और गिजा जो मेरे पेट में है उसके सिवा मेरे यहाँ कुछ भी नहीं। और एक मरतबा उनका वाक्य ये भी है कि हल्का जिक्र में इस वजह से ना आ सके कि पहनने के लिए लिबास ही नहीं था, और लोगों ने जाके उनसे जब गिला किया कि आप क्यों नहीं आए, तो कहने लगे ऐसी बात नहीं है, मेरे पास चूंकि चादर नहीं थी इसलिए मैं आ ना सका। और यह सुनकर मैंने उनको चादर पेश की, उन्होंने इसको कबूल नहीं किया तो मैं वापस आ गया। इसी तरह उनकी एक खास खूबी यह भी थी कि उनको शोहरत, नुमाइश और लोगों के अंदर मकबूल होना, इस ये उनको पसंद नहीं था। आजी की इंतहा में पहुंचे हुए थे, और दुनिया वालों से उनके पास मेल जोल की मुलाकात का टाइम ही नहीं था, और हर उस मौके से दूर रहते थे जहां पे कोई शोहरत या नामवरी का मौका आ जाए। और खुद फरमाते थे कि मैं आम मुसलमानों की तरह रहना चाहता हूँ, और आपकी तबीयत ये थी कि आम लोगों से मिलना पसंद नहीं फरमाते थे, लोगों में आमतौर पर शामिल हो जाते थे, अजनबी आदमी के लिए तलाश करना मुश्किल होता था, और लोगों में हजूम में घूमकर गायब हो जाते थे, और उनको अकेले रहना इस तरह की जिंदगी बहुत पसंद थी। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने अल्लाह के मखलूक को अपनी तरफ मुतवज्जे कर लिया था, और कभी कभी ऐसा होता था कि जो उनके मुतकिदीन थे और उनसे मोहब्बत रखने वाले थे वो उनके साथ उनका सामना होता था। शेख उस्तैर बिन जाबिर फरमाते हैं कि मुझे एक दोस्त ने बताया कि दरस खाने में नमाज पढ़ रहे थे, तो नमाज के फारिग होने के बाद हमारे तो मुतवज्जे हुए और इशार फरमाया कि आप लोगों का मामला अजीब है, मेरे पीछे क्यों लगे हो, मैं एक ज़यीफ़ और कमज़ोर इंसान हूँ, मेरी बहुत सी ज़रूरियात हैं जिन्हें मैं आपकी वजह से पूरी नहीं कर सकता, इसको खुदारा कहीं ऐसा ना हो कि मुझे आप अकेला छोड़ दें, और अल्लाह आपको हिदायत दे।
और लोगों के अंदर अच्छाई का हुक्म है, बुराई से मना करना। बेशक वो अगर तन्हाई और खलबत को चाहते थे, लेकिन उन्होंने अमर बिमारूफ को नहीं छोड़ा। यानी अच्छाई का हुक्म करना और बुरी बातों से रोकना, ये उनकी तबीयत में भी शामिल था। लोगों से कहते थे कि क्या तुम शख्स से ये सवाल करते हो? जी, लोग उनसे पूछते थे कि आपका क्या हाल है, फरमाते अच्छा हूँ। फिर उनसे पूछा लोगों से कि साथ आपका तरीका कैसा है, फरमाया कि ये सवाल तुम उस शख्स से करते हो कि जो शाम के बाद सुबह का और सुबह के बाद शाम के मिलने की उम्मीद नहीं करता। कहने लगे कि मेरे भाई, मौत ने किसी के लिए भी खुशी मिसात का मौका नहीं रखा है। मेरे भाई, मार्फत इलाही के बाद सोने चांदी की कोई कीमत नहीं रहती। फरमाते थे कि मेरे भाई, नेकी की तलकीन और बुराई की तोहीन ने कोई दोस्त बाकी नहीं रखा। मेरे भाई, दावत और तबलीग पर लोगों ने हमको अपना दुश्मन समझ लिया है। मेरे भाई, अल्लाह की कसम, उनका रवैया मुझे हक बात कहने से बाज नहीं रख सकता। इसी तरह जिहाद फी सबीलिल्लाह, अमर मारूफ, ये सारे कामों को वो बड़े जज्बे के साथ फरमाया करते थे। और माँ की खिदमत की अगर बात की जाए तो उनकी वालदा तनहा थी और ज़यीफ़ और कमज़ोर थी, और उनकी खिदमत को ही वो बड़ी सआदत समझते थे। जब तक वो हयात रही, जिंदा रही, हज़रत अवैस करनी ने उनको जिंदा नहीं, तनहा नहीं छोड़ा, हत्ता कि वह हज भी नहीं कर सके। और गालिबन इसी वजह से वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार और मुलाकात के लिए भी हाजिर नहीं हो पाए। हजरत अवैस करनी जो है, ये खुद सहाबा के तबका में शामिल नहीं थे, लेकिन सहाबा की बहुत बड़ी जमात इस चीज़ का शौक और जज्बा रखती थी कि हजरत अवैस करनी से मुलाकात हो सके। और एक हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी उम्मत की एक शख्स की सिफारिश, शिफात, कबीला बनु तमीम की बड़ी तादाद जन्नत में जाएगी। हसन बसरी फरमाते हैं कि इस शख्स मुलाकात अवैस करनी है, क्योंकि ये उन्हीं का कबीला था। तो हज़रत अवैस करनी की वफात के बारे में कि जब तक दुनिया के लोगों ने न उनको ना जाना ना पहचाना, लेकिन जब उनकी पहचान हो गई, उनकी हकीकत सामने आ गई और वो मजीद अपनी आप को छुपा ना पाए, तो वो फिर छुप गए। उन्होंने अपने आप भय नहीं किया और जंगे सिफीन में भी शामिल हुए, उसी के अंदर उनकी शहादत हुई, क्योंकि उनको अल्लाह के राह में शहादत की बड़ी तमन्ना और ख्वाहिश थी। ये अलग बात है कि उनको गोशा नशीनी पसंद थी, लेकिन जिहाद फी सबीलल्लाह का जोक और शौक अपनी जगह था। तो अल्लाह ताला ने उनको जंगे सफीन में उनकी ये शहादत की तमन्ना पूरी कर दी। सैयदना अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला की तरफ से उनकी हिमायत में जामे शहादत नोश किया। तो ये थे चंद चिंता हालात और वाकयात वैसे पर मेरे रहमल्ला के, जो मैंने आपके सामने पेश किए। दुआ है अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाई वल मुरसलीन ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन। या अल्लाह सबको सुनना बैठना कबूल फरमा, अपनी रजा का जरिया बनना। या अल्लाह जो कुछ कहा सुना के अमल की तौफीक अता फरमा। जितने हाजरीन हैं या अल्लाह, सामीन सामियात, या अल्लाह दुनिया आखिरत की भलाई नसीब फरमा, दोनों जहानों की इज्जत खुशियों के साथ नसीब फरमा। या अल्लाह जो बीमार है उनको सेहत कामल नसीब फरमा, जो परेशान हाल हैं तमाम परेशानियों से निजात नसीब फरमा। या अल्लाह पूरी दुनिया के हरम शरीफ की हिफाजत फरमा, तमाम मस्ताजिद मराकज़ की, खानकाहों की, या अल्लाह इनकी हिफाजत फरमा। या अल्लाह जितने भी लोग इस सुना सर्कल में दर्स व तदरीस और तालीम तालुम से जुड़े हुए हैं, या अल्लाह उनके इस अमल में या अल्लाह इखलास व बरकत नसीब फरमा। या अल्लाह जितने भी लोग इसमें इस काविश में कामों में सर अंजाम देने वाले हैं, या अल्लाह सबको दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की नसीब फरमा। या अल्लाह जितने भी लोगों ने दुआओं के लिए कहा, चाहा,
सबकी तमाम दुआओं को कबूल फरमा। या अल्लाह जो कुछ कहा सुना के अमल की तौफीक अता फरमा, जो या अल्लाह गलती कोताही हुई या अल्लाह उसको माफ़ फरमा। रब्बना तक़बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तवाबुर रहीम। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन व अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अजमाईन।